हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल रेडियो केयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड मैथमेटिक का चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है हमारा पार्ट नंबर 5। अगर मेरे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4 ऐसे सारे वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो आप जाकर मेरे चैनल अब्दुल रेडियो केयर पर देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा, इसीलिए हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। आगे भी पार्ट्स आते रहेंगे। तो आज हम करेंगे पार्ट 5, जिसकी हमारी टॉपिक है। इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक कवर। कौन सी टॉपिक कवर करने वाले हैं? यूजिंग सिंबल्स टू शो स्मॉलर एंड बिगर्स। स्मॉलर यानी कि छोटा, बिगर जो होता है यानी कि बड़ा। छोटा और बड़े को कौन से सिंबल्स हमें दिखाने हैं, उन्हें छोटा दिखाने के लिए और बड़ा दिखाने के लिए कौन से सिंबल्स हमें दिखाने हैं नंबर्स को, वो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। और उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है क्विकली। तो पहले आप इधर देख सकते हो फ्रेंड्स, से विच नंबर इज़ बिगर एंड विच स्मॉलर। आपको बताना कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा स्मॉलर। 8 दिया गया है और 2 दिया गया है, तो स्मॉलर नंबर है 2 और बिगर नंबर है 8। और 77 और 59 दिया गया है, 59 स्मॉलर है, 77 बिगर है। और 39 और 9 दिया गया है, स्मॉलर नंबर 9 है और बिगर नंबर 39 है। 14 और 35 दिया गया है, 14 और 35 दिया गया है, तो 14 स्मॉलर नंबर है और 35 बिगर नंबर है। 67 दिया गया है, 32 दिया गया है, 32 और 67, 32 स्मॉलर है, 67 बिगर है। तो दोस्तों, अभी आप इधर देख सकते हो, यूजिंग द सिंबल्स, हम इसे सिंबल्स की तरह कैसे बता सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, इधर 2 स्टार्स हैं राइट, और इधर 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्स है। तो दोस्तों, अभी ये 5 है और ये 2 है। कभी भी 2 बड़ा रहता है तो हम इस तरह से उधर ऐसे खोल देंगे, उधर उसका मुंह बना देंगे। तो हम इसको कैसे, देखो 5 एस, इसको कैसे रीड करेंगे, इज रीड एज 5 इज़ बिगर देन 2। 5 जो है 2 से बिगर है, ऐसा हम उसे रीड करेंगे। और देखो अभी इसको हम ऐसे, इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, इसको हम रीड करेंगे 2 इज स्मॉलर देन 5। देखो अभी फ़र्क है इसमें, इधर जो दिया गया है, इधर 5 दिया गया है और इधर 2 दिया गया है। तो जो अभी 5 जो है ग्रेटर है, तो ग्रेटर रहेगा तो ऐसे कर देंगे, ये जो मगरमच्छ का मुंह है ना, वो 5 की तरफ खुलेगा, 5 की तरफ खुलेगा। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, 5 इज बिगर, इधर साइड है तो हम क्या बोलेंगे, बिगर बोलेंगे। तो 5 इज बिगर देन 2 ऐसे रीड करेंगे। और अगर हमने 2 पहले लिखा और 5 इधर लिख दिया और हमने 5 की तरफ ऐसे मुंह खोल दिया, तो हम क्या रीड करेंगे, 2 इज स्मॉलर देन 5 ऐसे हम रीड करेंगे। तो दोस्तों, लिखने के ऊपर है, पहले हम क्या करेंगे, अभी देखो 27 और 40, 27 मैं इधर लिख देता हूँ और 40 यानी कि 40। तो अभी इनमें से बड़ा कौन सा है, 40। तो 40 की तरफ हम ऐसे मुंह खोल देंगे, तो हम इसको क्या रीड करेंगे, पहले जो हम स्मॉलर नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, 27 इज स्मॉलर देन 40। पहले आपको देखना है जो फर्स्ट नंबर है आपका स्मॉलर है या बिगर। अभी देखो 40 और 27 ऐसा लिखा गया है, तो 40 बिगर है। तो अभी पहला नंबर कौन सा आपका, 40। तो आप क्या लिखोगे, 40 इज़ बिगर देन 27। तो आपको पहले क्या देखना है, पहले ये देखना है कि आपका बिगर नंबर कौन सा है और यह स्मॉलर नंबर। पहले देखना है कि जो आपका फर्स्ट नंबर है वो स्मॉलर है या बिगर है। ये देखो, आप देख सकते हो इधर 27 और 40, तो 40 जो है ग्रेटर है, इधर इसके लिए मगरमच्छ का मुंह खोला गया है। और 91 और 49, तो 91 बड़ा है तो ऐसे। तो अभी हम इसको कैसे रीड करेंगे, 27 फर्स्ट नंबर जो है हमारा 27 है, इसलिए हम 27 इज़ लेस देन 40। और देखो अभी फर्स्ट नंबर जो है 91 है जो कि बिगर है, तो हम क्या बोलेंगे, 91 इज़ ग्रेटर देन 49। तो हम एज इट इज़ करेंगे, जो बड़ा रहेगा तो बड़ा, छोटा रहेगा तो छोटा। राइट द करेक्ट सिंबल्स इन द बॉक्स। देखो अभी 50 बड़ा है कि 49, 50, तो 50 की तरफ आपको मगरमच्छ का मुंह खोल देना है। और देखो 500 बड़ा है कि 499, 500।
500 की तरफ ऐसा कर देना। और देखो दोस्तों, ये 9 बड़ा कि 10, 10 बड़ा है ना, तो ऐसे करोगे? नहीं, रॉन्ग। जिस जो नंबर बड़ा रहेगा ना फ्रेंड्स, उसकी तरफ आपको क्या करना है, ऐसे मुंह खोल देना है। और अभी 50 बड़ा है तो 50 की तरफ मुंह खोल देंगे, 500 बड़ा है तो 500 की तरफ मुंह खोल देंगे, अभी 5 बड़ा है तो 5 की तरफ मुंह खोल देंगे, अभी 25 बड़ा है तो 25 की तरफ मुंह खोल देंगे, 500 की तरफ मुंह खोल देंगे, और अभी 5 की तरफ खोल देंगे, और 75 क्योंकि 75 बड़ा है, 600 की तरफ खोल देंगे। इस तरह से आपको देखना है, नंबर कुछ भी हो, नंबर देखो अभी इधर सेम है, इधर 500 है और इधर भी 499 है, इधर भी 499 और इधर भी 500, आंसर सेम नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट इधर कौन सा है वो मायने रखता है। फर्स्ट इधर 500 आया है और इधर 499 आया है, इसीलिए जो साइन हो गई है वो उल्टी हो गई है, यानी कि चेंज हो चुकी है। आई होप आप समझ रहे होगे। सपोज मैं आपको एक नंबर देता हूँ इधर 15, मैंने 15 लिख दिया और इधर 20 लिख दिया, तो अभी इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 20, तो ऐसे 20 की तरफ मुंह खोला जाएगा इस तरह से। और हम कैसे लिखेंगे, पहला नंबर देखेंगे, पहला नंबर जो है 15 है वो स्मॉलर है, तो 15 इज स्मॉलर देन 20 या लेस देन 20। अभी आप इधर देख सकते हो टोनी, वी कैन टेल द स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर इफ द टू गिवन नंबर्स हैव टू डिजिट। अब टोनी का क्या सवाल है इधर, कि टोनी बोल रही है कि हम स्मॉलर नंबर भी बता सकते हैं और बिगर नंबर भी बता सकते हैं जब हमें टू डिजिट का नंबर दिया जाता है, बट वॉट इफ अ टू डिजिट नंबर एंड द अदर इज अ थ्री डिजिट नंबर। पर क्या होगा जब हमें एक नंबर टू डिजिट का दिया जाएगा और एक नंबर थ्री डिजिट का दिया जाएगा, जैसे कि 12 एक टू डिजिट है और 500 क्या है, थ्री डिजिट है, तो अभी ताई इसका आंसर देगी, फर्स्ट टेल मी द बिगेस्ट टू डिजिट नंबर। तो अभी ताई बोल रही कि मुझे ऐसा नंबर बताओ जो बिगेस्ट है टू डिजिट में, वो है 99, द बिगेस्ट ऑफ द ऑल टू डिजिट नंबर, 99 जो है वो बिगेस्ट है टू डिजिट नंबर्स का सारे। द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 99 इज 1000 एंड दैट्स अ थ्री डिजिट नंबर। और अभी टोनी कह रही है कि 99 के बाद 100 आता है, सॉरी 1000 नहीं 100, 100 जो है थ्री डिजिट नंबर है ताई। देन यू नो दैट अ टू डिजिट नंबर मे बी 99 और अ नंबर स्मॉलर देन 99, हैंस एनी टू डिजिट इज स्मॉलर देन 100, अ थ्री डिजिट नंबर कैन बी 100 और बिगर देन 100। तो दोस्तों अभी ताई कह रही है कि जो 99 जो नंबर है वो एक टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, और इसके नीचे वाले जो भी नंबर्स रहेंगे जैसे 98, 89, 96, ये सारे टू डिजिट नंबर है, पर अभी 99 के बाद कोई भी टू डिजिट नंबर नहीं आएगा, जो भी आएगा 99 के बाद वो है थ्री डिजिट नंबर, क्योंकि 99 के बाद 100 आएगा, फिर 101 आएगा, तो थ्री डिजिट नंबर्स हो जाएंगे। और 100 एक थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर जो है 100 है, 100 के बाद भी थ्री डिजिट्स नंबर आएंगे। तो हमें टोनी दिस टेल अस दैट द थ्री डिजिट नंबर इज ऑलवेज बिगर देन अ टू डिजिट नंबर। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो टू डिजिट नंबर है वो कभी भी स्मॉलर होता है, छोटा होता है थ्री डिजिट नंबर से। अगर आपको एक जगह टू डिजिट नंबर दिया गया है जैसे 15 और 500, ऐसे 500 और 15 हमें नंबर्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आप कभी भी जो टू डिजिट नंबर रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा और थ्री डिजिट बड़ा है, तो ऐसे मुंह खोल देना क्योंकि वो बड़ा नंबर रहता है 500, तो कभी भी टू डिजिट नंबर छोटा रहता है फाइव डिजिट थ्री डिजिट नंबर से। शर्मा, जस्ट एज वी नो दैट अ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज बिगर देन अ वन डिजिट नंबर एज इजंट इट, तो जैसे कि हमें मालूम है वन डिजिट नंबर कभी भी टू डिजिट नंबर से बड़ा होता है, जैसे कि वन डिजिट नंबर हो, वन डिजिट नंबर मैं इधर लेता हूँ 1 और टू डिजिट मैं इधर लेता हूँ 12। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, कभी भी जो वन डिजिट नंबर है वो ही छोटा होता है और टू डिजिट नंबर बड़ा होता है, इसलिए हम 12 की तरफ मगरमच्छ का मुंह खोल देंगे, सिंबल बना देंगे। ताई एब्सोल्युटली राइट, तो जो हमारा ये है फॉर्मूला वो सही है। अभी स्मॉलर एंड बिगर कंटिन्यूड, ये टॉपिक को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। नंदू, इफ़ वी हैव टू
डिजिट नंबर, हाउ डू वी टेल विच इज़ बिगर एंड विच इज़ स्मॉलर। अभी हमें हमारे पास दो नंबर है जो कि टू डिजिट थ्री डिजिट के ही हैं, दोनों भी थ्री डिजिट के हैं, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा स्मॉलर। टाइप, लेट्स टेक सम इजी एग्जांपल्स। टेक द नंबर 500 and 300। तो हमें एक एग्जांपल के लिए 500 लेना है फ्रेंड्स, 500 मैंने ले लिया इधर, और एक मुझे लेना है 200 जो कि मैंने इधर ले लिया। अभी विच ऑफ दिस इज द बिगर नंबर, इसमें से बिगर कौन सा नंबर है, अभी ये हमारा क्वेश्चन है। सलमा, 500 आर बिगर देन 300। तो 500 जो होता है वो कभी भी ज़्यादा होता है, 500 कभी भी ज़्यादा होता है 200 से। देखो यूनिट, अभी देखो ये 500 ज़्यादा होता है। टाई, नाउ लेट्स टेक एट, पहले हम छोटा इजी एग्जांपल लेके अभी हार्ड वाला एग्जांपल लेंगे। अभी हम क्या लेंगे, अब हम 325 लेंगे, 325 और 625, क्या लेंगे 325 और 625। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इधर, तो 325 और हमने ले लिया 325 और 625। अब इन दोनों नंबर्स में से हियर द यूनिट्स एंड द टेंस ऑफ द टू डिजिट नंबर आर इक्वल। तो देखो आप इधर देख सकते हो, लास्ट में 25 इधर भी है, लास्ट में 25 इधर भी है, इधर भी लास्ट में 25 और इधर भी लास्ट में 25 है। हियर द यूनिट्स एंड टेंस ऑफ द टू डिजिट नंबर्स आर इक्वल बट 600 आर बिगर देन 300। कभी भी जो 600 होता है, 6 वो जो बड़ा होता है 300 से, इसीलिए हम पहचान सकते हैं कि 625 ही बड़ा होता है। सो व्हाट टू डू इफ द यूनिट टेंस एंड 100 डिजिट्स इन टू नंबर्स आर इक्वल आर ऑल डिफरेंट्स। अब हम क्या करें जब 498, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इधर दिया गया है 495 एंड 812। इन दोनों के जो है यूनिट और टेन डिफरेंस है, इसके यूनिट में 95, यूनिट और टेन में 95 है, और इसके यूनिट टेन और यूनिट्स में 112 है। इन 495 द नंबर इन द 100 प्लेस इज 4 इज स्मॉलर देन द 800। अभी 400 जो है 800 से स्मॉलर है। दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नेक्स्ट होल नंबर आफ्टर 495, वो है 500। अभी देखो 495 के पास एक ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़ा है उससे, 500 हम पकड़ लेते हैं, तो 500 कभी भी बड़ा होता है 495 से। 812 has 800, 812 के पास कितना है, 812 के पास है 8, या 812 को हम अप्रॉक्सीमेटली 8 पकड़ लेते हैं, सपोज 800 हो गया और वो जो था हमारा 500 है। तो देखो अभी 800 और 500 में से कौन सा बड़ा है, 800, तो 812 ही बड़ा नंबर है 495 से। टोनी, यस नॉट टू डिफिकल्ट इफ़ यू वर्क इट आउट लाइक दिस। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं दिखेगा। इट मीन्स दैट इफ देयर थ्री डिजिट नंबर आर गिवन द वन विच बिगर डिजिट इन 100 प्लेस इज द बिगर नंबर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको वापस समझाता हूँ। जैसे कि एक नंबर हमें दिया गया है 495 एक नंबर दिया गया है फ्रेंड्स हमें इधर, और क्या दिया गया है हमें इधर 812। अभी देखो इन दोनों का यूनिट और टेन अलग अलग है, पर ये इधर क्या है 400 है और इधर 800। तो आपको, आप मुझे बताओ, आप सिर्फ 100 की प्लेस को देखो, 400 बड़ा है कि 800, तो 800, तो 812 ही बड़ा नंबर होगा। विच इज़ द बिगर नंबर एंड विच इज़ द स्मॉलर नंबर, कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा स्मॉलर। अभी देखो 721 दिया गया और 589 दिया गया है। अभी यूनिट और टेंस के प्लेस को आप मत देखना, इसको कट कर दो, आप इसको ध्यान में मत रखना फ्रेंड्स। आपको क्या देखना है, 100 की प्लेस देखना है। कौन सी प्लेस देखना है आपको, वेरी गुड, 100 की प्लेस देखना है। तो दोस्तों अभी इधर 100 की प्लेस में क्या है, 7 और इधर 5 है, तो 700 बड़ा है क्या 500, मुझे बताओ, 700। तो हम इस तरफ सिंबल बना देंगे। अभी इन दोनों का डिजिट सेम है यूनिट और टेन में, इन दोनों का यूनिट और टेन सेम है, तो अब हम किसको देखेंगे, अभी भी हम 100 को ही देखेंगे,
400 और 700 में कौन सा बड़ा है, 700, तो हम ऐसे कर देंगे, उस तरफ सिंबल बना देंगे, उस तरफ मगरमच्छ का मुंह खोल देंगे। अभी आपको वापस इधर थ्री डिजिट दिए तो आपको 100 की प्लेस ही देखनी पड़ेगी। पहले आप 100 की प्लेस देखिए, इधर 600 है, इधर 400, तो 600 और 400 में से बड़ा कौन सा होता है, 600, तो इधर हम मुंह खोल देंगे। सलमा, बट वॉट इफ डिजिट्स इन दी 100 प्लेस ऑफ बोथ द नंबर आर सेम, लेट्स टेक दिस 718 एंड 720। दोस्तों अभी हम क्या करें, जब तो फ्रेंड्स अभी इधर क्या पूछा गया क्वेश्चन, कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है जिसकी 100 की डिजिट्स दोनों सेम हैं, तो हम कैसे पहचाने कौन सा बड़ा नंबर है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ताई हमें इधर बताएगी। दैट्स इजी टू, इफ द हंड्रेड्स आर द सेम्स, लुक एट द नंबर मेड बाय द टेंस एंड यूनिट। तो अगर 100 सेम होगा तो हमें कौन सी डिजिट देखनी है, जो डिजिट टेंस पे और यूनिट्स पे है, उन दोनों का हमें कंपेयर करना है। जैसे इधर एक नंबर दिया गया है 718, 720। तो दोस्तों अभी इधर 77 जो है वो सेम है, तो हमें कौन सा मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम डिजिट देखेंगे जो टेंस और यूनिट पर है। इधर है 18, 10 और यूनिट पर, इधर है 20। तो दोस्तों अभी 18 में और 20 में कौन सा बड़ा है, वेरी इजी, 20 बड़ा है। तो दोस्तों 720 जो नंबर है वो बड़ा है, सो वी मस्ट कंपेयर 20 एंड 80 इन 720 एंड 780, ऐसे। तो कौन सा बड़ा है, करेक्ट, तो हमें ऐसे बड़ा करना है। तो देखो अभी ऑब्वियसली जो है 20 बड़ा रहेगा 18 से, तो 720 जो बड़ा रहेगा 718 से, करेक्ट। इफ़ द 100 इन टू डिजिट नंबर्स आर द सेम, देन द नंबर विद द बिगर टेंस इन द बिगर नंबर, एंड इफ द 100 एज वेल एज द टेंस आर इक्वल्स, देन लुक एट द यूनिट टू डिसाइड विच इज द बिगर नंबर। तो देखो फ्रेंड्स अभी मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि 720 है और 718 है, तो देखो अभी दोनों का 77 का जो प्लेस है 100 का वो उतना ही है, तो अभी हम 20 को देखेंगे और 18 को देखेंगे। अभी इन दोनों की हम कौन सी प्लेस देखेंगे, 10 की प्लेस देखेंगे। 10 में इधर 2 है और इधर 1 है, तो ऑब्वियसली जो 2 वाला है वो बड़ा रहेगा, इसलिए हमारा 720 जो है बड़ा रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, जब हमारा इधर भी 2 रहता, इधर भी 2 रहता, और इधर 0 रहता 20, और इधर 28 रहता, तो आप क्या करोगे, आपने 10 भी सेम है तो आप यूनिट की प्लेस को देखोगे। अभी 0 और 8, तो कौन सा बड़ा रहेगा, 8, तो ये बड़ा रहता है, 28 बड़ा रहेगा। इस तरह से पहले आपको देखना 100 की प्लेस, अगर 100 सेम है तो आपको यूनिट की प्लेस देखना है, यूनिट पर जो बड़ा रहेगा वो बड़ा रहेगा। अगर यूनिट सॉरी पहले आपको 100 की प्लेस देखना है, 100 में अगर सेम रहता है तो आपको जाना है 10 की प्लेस पर, 10 की प्लेस पर भी अगर जो बड़ा रहेगा वो नंबर बड़ा रहेगा, पर अगर वो भी सेम रहा तो आपको यूनिट की प्लेस देखना है। अगर यूनिट पर सेम रहेगा तो वो इक्वल नंबर रहता है, और अगर यूनिट पर सेम नहीं रहेगा तो जो बड़ा नंबर रहेगा यूनिट में, यूनिट डिजिट, वो बड़ा हो जाएगा। देखो, पुट द राइट सिंबल्स बिटवीन द नंबर इन ईच पेयर, हमें एक अच्छा राइट सिंबल लगाना है। तो पहले हम 100 की प्लेस देख लेंगे, 400 और 200, 400 और 200 दोनों अलग अलग है, तो 400 बड़ा है कि 200, 400, तो हम ऐसा मार्क उधर कर देंगे। 100 है इधर और इधर 500 है, तो 500 बड़ा होता है। इधर भी हम 100 की प्लेस देखेंगे, देखो 100 की प्लेस इधर देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी ये कितनी डिजिट नंबर है आप मुझे ज़रा बताना, ये है 3 डिजिट नंबर और ये कितनी है, 2 डिजिट नंबर। कभी भी 2 डिजिट नंबर होती है छोटी 3 डिजिट नंबर से, तो 3 डिजिट नंबर ही बड़ा होता है। अभी इधर इधर देखो 300 है और इधर 600 है, तो 300 बड़ा है कि 600, 600 बड़ा है, इसीलिए वो ऐसा सिंबल आ जाएगा। तो दोस्तों हमने छोटे नंबर और बड़े नंबर को कैसे साइन देना इस वीडियो में देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल रेडियो केयर।